मामी छोटे मोटे अच्छे काले गुरु बुढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे भी ऐसे YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भी आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का एक चैनल है जहाँ पर वो चैरिटी वगैरह करते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं उस चैनल से। तो अभी उसी चैनल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जहाँ पे उन्होंने 20,000 साउथ अफ्रीका के बच्चों को शूज दिए, जिस पर बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे ये बोलते हुए कि लोग ये समझेंगे कि अब मिस्टर बीस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनको असलियत नहीं पता कि इन वीडियो से वो कितना कमाता है। इसी का रिप्लाई किया अभी मिस्टर बीस्ट ने। उन्होंने कहा कोई हेट नहीं, लेकिन शायद से आपने वो चैनल नहीं देखा, वो चैरिटी के लिए है और उससे वो कोई प्रॉफिट नहीं बनाते। उनके उस चैनल की सारी वीडियोस का 100% रेवेन्यू डोनेट कर दिया जाता है और उस चैनल का मकसद ही है लोगों को हेल्प करने वाला कॉन्टेंट बनाए ताकि और पैसा बने और वो और लोगों की हेल्प कर सके। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो की यूथ क्लब के बारे में। तो अभी जो औरत मार्च चल रहा है वहाँ पे एक बंदा ऐसा प्ले कार्ड लेकर खड़ा था जहाँ पे लिखा था बैन बर्गर तालिबान ऑफ यूथ क्लब, जिसको शेयर करते हुए दानियाल शेख ने कहा हर कोई एक दूसरे को बैन करने की बात कर रहा है, आई डोंट एग्री विद एक्सट्रीमिज्म। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो की बकर ब्रो के बारे में। तो अभी बकर ब्रो की शादी हो चुकी है। बदला ब्रदर ने ये पोस्ट शेयर की, माशाल्लाह माई ब्रदर गॉट मैरिड, इतनी जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट काम वगैरह की, ना पिक्स बनाई ना वीडियो, मगर बड़ा भाई होने के नाते अल्लाह ने मुझसे एक और जिम्मेदारी पूरी करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बकर ब्रो। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि मिस्टर जे प्लेस और डकी भाई के बारे में। तो डकी भाई ने अभी उमरा किया, उसका एक व्लॉग भी उन्होंने शेयर किया था। तो उस व्लॉग में डकी भाई की लुक को थोड़ा ट्रोल करते हुए मिस्टर जे प्लेस ने ये वीडियो शेयर की। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आपको फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह के अकाउंट्स चाहिए या तो इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स के लाइक, सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स वगैरह चाहिए तो आप इन भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपको काफी कम रेट्स पर काफी अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी। तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग जाकर उनसे सर्विसेज ले सकते हो। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि बाबर आजम शाहीन अफरीदी के बारे में। तो अभी बाबर आजम की जगह शाहीन अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना दिया गया है। मतलब अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज आ रही है उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रेस्ट करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन होंगे। तो जब से ये न्यूज आई है तब से शाहीन अफरीदी की एक पुरानी ट्वीट लोग शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड की थी। जब बाबर आजम को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे तब उन्होंने सपोर्ट किया था बाबर आजम को। उन्होंने उस ट्वीट में कहा था बाबर आजम हमारी और पाकिस्तान की शान जान और पहचान है, वो हमारा कप्तान है और रहेगा, कुछ और सोचना भी मना है, प्लीज सपोर्ट दिस टीम, यही टीम हमें जितवाएगी भी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, #respect। और लोग अभी ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जब शाहिद अफरीदी चीफ सिलेक्टर बने थे तब उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दी थी क्योंकि उनको पता था कि आगे उनको भी कैप्टन बनना है। बाकी सारे सीन पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बाबर आजम की बात हो ही रही है तो बाबर आजम को भी अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि अभी जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जलमी का मैच चला था उसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन बहुत से लोग अभी इस वजह से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पहले 80 रन उन्होंने तेज किए थे लेकिन बाद के जो 20 रन थे उन्होंने 16 बॉल्स में किए। मतलब अवाम और जो उस मैच का कमेंटेटर था उसने भी यही बोला था कि बाबर आजम अपने लिए खेल रहे हैं, अपनी सेंचुरी के लिए, ना कि अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो स्लो रन कर रहे थे और कुछ लोग बाबर आजम के साथ हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं ये बोलते हुए कि उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग अच्छी हो गई थी। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि वायरल डांस कल आयशा के बारे में। तो अभी उनकी एक म्यूजिक वीडियो आई है जहाँ पर उन्होंने वही ड्रेस पहना हुआ था जिस वीडियो से वो वायरल हुई थी, तो इसी वजह से काफी लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि ये ड्रेस तो आप 3 लाख रुपए का बेच रही थी जब आपका डांस वायरल चल रहा था। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि वाइल्ड लाइंस बाय अब्रार के बारे में। तो वाइल्ड लाइंस बाय अब्रार का भी मुंबई में मीटअप होगा, जिससे रिलेटेड अपडेट करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। देखिए जी, मुंबई का हमारा मीटअप जो है वो कन्फर्म हो गया, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास डेट्स आएंगी और वो सारा सेटअप हमारा हो जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी जो है वो शेयर करूंगा। अगर आप मुंबई में हैं
तो जरूर मुलाकात के लिए आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि क्रेजी प्रैंक टीवी के फहद दीन के बारे में। तो अभी उनके साथ एक स्कैम होने वाला था, वो स्कैम किस टाइप का था वही सारा एक्सप्लेन किया अभी उन्होंने, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। तो सीनियर के सवाल में बहुत प्यारी नींद गहरी नींद थोड़ा सा मुझे कॉल आती है, उस बंदे ने मेरे कजन का नाम लिया जो कि उसने बिल्कुल ठीक लिया, मुझे ये नहीं पता कि उसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई। उसने मेरे बोला कि जी इस नाम के साहब आपके क्या लगते हैं, मैंने बोला आप जी काम बोले आपको क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनका ना भी पार्सल आया और वो हमारी कॉल भी एट द मोमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपका नंबर जो है वो बैकअप है तो आप कर ली इनका पार्सल रिसीव कर ले। मैंने बोला यार ना तो मुझे पता कि पार्सल आया है और ना मुझे पता कि क्या पार्सल आया, प्लस मैं अभी अवेलेबल भी नहीं हूँ, तो आप उनसे ही कॉन्टेक्ट करें जिनका पार्सल है। और ये चीज कह के ना मैंने कॉल कर दी, मैं नींद में था इसलिए मैंने अपने कजन को फोन लेकर नहीं पूछा, कंफर्म नहीं किया। और मैं सो ही रहा था तो मुझे थोड़ी देर फिर मेरे चाचू की कॉल आती है, मेरे चाचू ने मुझे पूछा कि बेटा आपका कोई पार्सल हमारे घर पे आना था। मैंने कहा नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुबह मुझे कॉल आई है, उन्होंने आपका नाम लेके फहद दीन का कोई पार्सल आया और वो हमारी कॉल रिसीव कर रहे, तो आपका नंबर जो बैकअप है तो कर लिया उनका ना पार्सल रिसीव कर लिया। फिर मेरे चाचू ने उनसे डिटेल में बात की जी अगर वो नहीं रिसीव करे तो क्या मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जी ऐसे से ना उनकी एक अमाउंट रहती है तो वो काइंडली आप हमें सेंड कर दें या ना आपको पार्सल डिलीवर करवा देते हैं। तो जब उन्होंने मुझे बात बताई फिर मुझे कंफर्म हो गया कि जी वो कोई स्कैमर से जो कि मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे। मेरे चाचू साहब भी फ्रॉड ही कर रहे थे लेकिन मेरे चाचू ने फ्रॉड नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म की बात। तो अगर मैं भी उस टाइम उनकी बात में आकर उनको पैसे भेजा था तो वो मेरे से फ्रॉड हो गया था, खैर मैं उस चीज से बच गया। और आप लोग बताने का मकसद कि आप लोग अवेयर रहे क्योंकि आजकल ऐसे स्कैमर्स काफी आए हुए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमारे पास बस इतनी अपडेट्स हैं, अगर तो वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।